क्या आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है पर रिसोर्सेज की कमी की वजह से आप उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनरैवल, दिस इज प्रियल। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कैपिटल स्कीम। जी हाँ, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्कीम है क्या। गवर्नमेंट ने इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्कीम बनाई है, जो कि लैक ऑफ फंडिंग है। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने ₹945 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। इसके थ्रू हम 20 लाख तक का ग्रांट ले सकते हैं और 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। ग्रांट आपको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलती है। सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को वैलिडेट करना होता है। उसके बाद आपको उसका प्रोटोटाइप डेवलप करना होता है, मतलब आपको प्रोडक्ट को एग्जामिन किया जाता है, जैसे वो फंक्शन करना चाहिए वो वैसे फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कुछ उसमें डिफरेंस आता है तो उसे दोबारा से बनाया जाता है। और नेक्स्ट स्टेज होती है प्रोडक्ट ट्रायल। इस बेसिस पे आपको ग्रांट मिलता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। उसके बाद जब लोन की बात आती है तो लोन भी आपको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। सबसे पहले मिलता है मार्केट एंट्री के लिए, ताकि आप मार्केट में और इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट को एंटर करवा सकें। सेकेंड होता है बिजनेस कमर्शलाइजेशन, मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर उसके कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, एवरीथिंग तक, उसके लिए आपको गवर्नमेंट पैसे देती है। और सबसे लास्ट होता है आपके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। सो इन 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको लोन प्रोवाइड होता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ। सबसे पहले स्टार्टअप जो है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, कंपनी को 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी 2 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। तीसरा, 10 लाख से ज़्यादा तक का लोन आपने किसी स्टेट या गवर्नमेंट की स्कीम में ऑलरेडी ना लिया हो तो ही आप इस स्कीम के अंडर एलिजिबल होंगे। चौथा, 51% या उससे ज़्यादा इंडियन प्रमोटर्स होना चाहिए आपकी कंपनी में एज शेयर होल्डर्स। फिफ्थ, आपकी जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि वो आगे फ्यूचर में भी स्केल अप कर सकें। कोई भी बिजनेस टाइप इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, पर गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया है। अब ये जानते हैं कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने 300 इनक्यूबेटर्स को फंड प्रोवाइड किया है, जो 3600 स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही है उनका स्टार्टअप स्टार्ट करने में। हम मैक्सिमम 3 इनक्यूबेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम, एंड उनमें से कोई भी एक इनक्यूबेटर हमको फ़ंड प्रोवाइड करता है, उससे ज़्यादा कोई भी इनक्यूबेटर हमको फ़ंड प्रोवाइड नहीं कर सकता है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, आपका जो बिज़नेस आइडिया होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। दूसरा, वो सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो। तीसरा, वो आइडिया प्रैक्टिकल हो। एंड सबसे लास्ट, आपकी फंडिंग का एलोकेशन आप प्रॉपरली अपने पूरे बिजनेस मॉडल में कर रहे हैं वो गवर्नमेंट चेक करती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और वो फंडिंग की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आज ही जाइए वेबसाइट पे और अपने बिजनेस के लिए फंडिंग के लिए अप्लाई करिए। थैंक यू।